एक जागरूकता पैदा करने का काम करेगा। मैं जानता हूं आप सब लोग जो हजारों की संख्या में, मैं आ रहा था लगातार सड़कों पर लोग खड़े हुए हैं, सड़कों पर हमारे युवा नौजवान खड़े हैं, आप सब तो जागरूक हैं ही हैं, लेकिन हमें आज ये एक संकल्प लेकर यहां से जाना होगा कि हम अपने संपर्क में आने वाले हर युवा को, हर छात्र को, हर बहन को, हर भाई को इसके प्रति जागरूक करेंगे। और जो हमारा संकल्प है कि हम पूरी तरह से ड्रग्स मुक्त होंगे और आने वाली पीढ़ी को एक सशक्त, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से हम बनाने का काम करेंगे। यहाँ पर हमको यह भी आज एक संकल्प लेना है कि हम यहाँ पर अपने पूरी तरह से जो हमारी दिनचर्या है, हमारी शारीरिक गतिविधियाँ हैं, शारीरिक व्यायाम है, उसको अपनी नियमित दिनचर्या में अपनाना है। अपने को हम स्वस्थ रखेंगे तभी हम एक अच्छा समाज को अपना योगदान दे पाएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कई बार हम समझ नहीं पाते कि हमारा शरीर कब खराब हो गया, कब हमारे अंदर खराब आदतें लग गई और हम कितना हमारा नीचे जीवन नीचे 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 जाता रहता है। ये तब हमको समझ में आता है जब पूरी तरह से हम बिस्तर पर आ जाते हैं। भाइयों बहनों, अगर जीवन का पहला सुख कोई सुख है, पहला सुख है तो निरोगी काया। पहला सुख कौन सा सुख है जरा मेरे साथ आप लोग सब लोग बोलिए एक बार, निरोगी काया। दूसरा सुख अगर कोई सुख है कैलाश भाई, तो वह भी निरोगी काया। और तीसरा कोई सुख है तो जरा जोर से बोलिए कौन सा है। और चौथा कोई सुख है वह भी निरोगी काया। और जीवन का अगर हर सुख कोई सुख है वह भी निरोगी काया है। इसलिए आज हम लोग यहां से संकल्प लेकर जाएंगे, अपनी काया को तो निरोगी बनाएंगे ही बनाएंगे, हम सब लोगों को इतना जागरूक कर देंगे कि सब के सब निरोगी हों, सब के सब स्वस्थ हों और हम देश और प्रदेश और भारत माँ को विश्व गुरु बनाने के लिए अपना योगदान दें पूरे उत्साह के साथ। यहाँ से हम लोग इस मैराथन को शुरू करेंगे। मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, पुलिस विभाग को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने एक शानदार आयोजन यहाँ पर किया है, साथ ही हंस फाउंडेशन को कि उन्होंने यहाँ पर इसके स्पॉन्सरशिप में आकर सभी के उत्साहवर्धन का काम किया है। पुनः एक बार आप सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। संकल्प लेता हूं कि मैं अपने समस्त परिवारजन एवं मित्रों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देकर उन्हें भी नशे का सेवन न करने हेतु प्रेरित करूंगा। धन्यवाद। जो 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर वाले पीछे के गेट से जाएंगे इस इधर साइड से,
और फ्लैग ऑफ होगा अगले 2 मिनट बाद। 3 किलोमीटर वाले बाद में जाएंगे। जैसा कि सर ने बताया है कि अब फ्लैग ऑफ होने वाला है, जो 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर के रनर हैं, वो आराम से जाएं गेट नंबर 2 से। बाइट अभी रन दो, अभी गेट नंबर 2 पर आप लोग आराम से पहुंचे। दौड़ चलेगी, मैं दिलवाता हूं। अभी खुल जाओ, अरे सुरक्षित करके रखते हैं दौड़ने के लिए। आराम से पहुंचे गेट नंबर 2 से गेट नंबर 2। अरे अभी नहीं बोलेंगे यार, चिंता में मैं उस लोगों 3 किलोमीटर के जो रनर्स हैं वो अभी यहीं रुके रहेंगे। देखिए, ये रन फॉर मैराथन, रन फॉर यूनिटी और अगेंस्ट द ड्रग्स। आइए माता जी, भैया पीछे चलिए। ये रन फॉर यूनिटी और रन फॉर अगेंस्ट द ड्रग्स, आज ये दौड़ पुलिस विभाग और हंस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर आयोजित हो रही है। यह निश्चित रूप से जहाँ हम राष्ट्रीय एकता के एक राष्ट्र को एक एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को, उनके संकल्प को साकार करने के लिए हजारों हजार युवा आज यहाँ पर आए हुए हैं। इसके साथ साथ इतनी बड़ी संख्या में युवा हमारे उत्तराखंड के अंदर, जो हम लोगों ने ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का जो अभियान लिया है 2025 तक ड्रग्स फ्री का जो हमारा एक संकल्प है, वह भी आज युवाओं की इस मैराथन के कारण से अधिक जागरूकता फैलाने का काम करेगा और हम अपने लक्ष्य में सफल होंगे। विभाग की तरफ से, उत्तराखंड पुलिस की तरफ से ये मैराथन का आयोजन किया गया है और कहीं ना कहीं तमाम उद्देश्यों को लेकर ये मैराथन आयोजित हुआ है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए हैं। और ये सीधी तस्वीर देहरादून से आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड पुलिस की ओर से मैराथन का आयोजन। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं तो उत्तराखंड पुलिस की ओर से ये मैराथन का आयोजन हो रहा है और हरी झंडी दिखाकर इस मैराथन को हरी झंडी दिखाई और देखिए थोड़ी ही देर में ये मैराथन शुरू होगा। तो उत्तराखंड पुलिस की तरफ से ये मैराथन आयोजित किया जा रहा है। तो देहरादून के देहरादून से ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मैराथन को हरी झंडी दिखाकर आगे बढ़ते हुए
तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह हरी झंडी दिखाई। मैराथन का आयोजन हो रहा है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। डीजीपी अशोक कुमार भी मौजूद हैं, तमाम मंत्री मौजूद हैं। और ये देखिए, युवा इस मैराथन में हिस्सा लेते हुए बड़ी संख्या में, कहीं ना कहीं एक बड़ा उद्देश्य, एक बड़ा मैसेज देने के उद्देश्य से ये मैराथन आयोजित किया गया है। और बड़ी संख्या में युवाओं ने इस मैराथन में भाग लिया। और देखिए, हरी झंडी दिखा दी है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, और सभी जो इसमें प्रतिभागी हैं वो भाग लेते हुए, और मैराथन की शुरुआत हो चुकी है। और कहीं ना कहीं अभिवादन स्वीकार करते हुए और हाथ हिलाकर उत्साहवर्धन करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी तमाम युवा इस मैराथन में शामिल हुए हैं बड़ी संख्या में। आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं, देहरादून की ये तस्वीर है जहां पर उत्तराखंड पुलिस के द्वारा इस मैराथन का आयोजन किया गया है। और इस दौरान कैलाश खेर को भी आप देख सकते हैं, मशहूर गायक उत्तराखंड की हंस फाउंडेशन, भोले जी महाराज, मंगला माता जी, उनकी फाउंडेशन है हंस फाउंडेशन, जो मानवता के कार्यों के लिए समर्पित और संकल्पित होकर उत्तराखंड की ही नहीं पूरे भारत की सेवा कर रहे हैं और मानव उत्थान में लगे हुए हैं। इस तरह के लोगों को भगवान ने भेजा है किसी कारण से। देखिए क्या होता है, जिस प्रकार से परमात्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं तो कोई ना कोई अच्छी आत्माओं को इसलिए भेजते हैं ताकि संतुलन बना रहे। तो बहुत सारी चीज़ों में विषमताएं होती हैं, चुनौतियां होती हैं, लेकिन उन चुनौतियों को परिष्कृत करने के लिए, उनको पार करने के लिए कुछ ऐसी दिव्यात्माएँ होती हैं, जैसे हमारे डी जी उत्तराखंड इस वक्त हैं पुलिस के अशोक कुमार जी, यहाँ के CM हैं हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, और इन लोगों ने ये शपथ ली है कि मेरे उत्तराखंड को, मेरी देवभूमि को नशा मुक्त और एकता के सूत्र में ऐसा बांध दीजिए जैसा नाम है देवभूमि। देवभूमि में कौन होने चाहिए? देवता होने चाहिए। अब अगर देवता होने चाहिए तो देवता तो ऐसे काम न करें जैसे दैत्य कर रहे हों, जो अपना ही नुकसान कर रहे हो, अपना ही हाथ काट रहा हो, कोई अपना ही पैर काट रहा हो, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो देव भूमि को देव तुल्य बनाने के लिए। तो अभी आप कैलाश खेर को सुन रहे थे, मशहूर गायक जिन्हें हर कोई जानता है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी जो इस मैराथन को हरी झंडी दिखा चुके हैं, डीजीपी अशोक कुमार भी मौजूद हैं उनके साथ। हालांकि ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ही इस मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, साथ ही साथ एक संस्था के द्वारा भी इस मैराथन में सम्मिलित हैं।